नमस्कार। तो चलिए अब निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। फ्रेंड्स, केसरी के कार्य प्रणाली के अनुसार आपकी डिपार्चर डेट के 2 दिन पहले केसरी के ऑफिस से आपको एक रूटीन रिमाइंडर कॉल किया जाता है। इसमें आपको कौन सी तारीख, कौन से समय और कहां आना है, इसकी सिर्फ याद दिलाई जाती है। ये कॉल महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भारत से विदेश के लिए कई उड़ानें देर रात या सवेरे जल्दी होती हैं। इससे तारीख तथा समय में गड़बड़ होने की आशंका होती है। नियमों के अनुसार आपको फ्लाइट के 3 घंटे पहले रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। मिसाल के तौर पर आपका फ्लाइट समझिए 10 अक्टूबर को है और उसका समय है 2 AM यानी सुबह के 2 बजे। तो नियम के अनुसार आपको 3 घंटे पहले यानी कि 9 अक्टूबर की रात 11 बजे एयरपोर्ट रिपोर्टिंग करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आप खुद भी आपके फ्लाइट्स का सही समय और तारीख ठीक तरह से समझ लीजिए। गलत फहमी से अगर आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है तो उसी डेस्टिनेशन के लिए अगर दूसरी फ्लाइट होगी तो ही आपके लिए नया टिकट मैनेज हो सकता है। हम टूर की बुकिंग्स ग्रुप में करते हैं जिसमें कंसेशन मिलता है, पर अब अकेले आपके लिए नया टिकट फुल फेयर में लेना पड़ता है जिससे आपका खर्चा बढ़ जाता है। इसीलिए तारीख, फ्लाइट्स का समय, एयरपोर्ट पर पहुंचने का समय ठीक से समझना आवश्यक है। फ्रेंड्स, आप में से जो यात्री बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास से यात्रा करने वाले हैं वो फ्लाइट के समय से 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपका टिकट किसी भी क्लास का हो, केसरी का प्रतिनिधि एयरपोर्ट पर कहाँ होगा ये आपको बताया जाता है। कृपया उस जगह जाकर उसे मिलिए क्योंकि वो आपको आपका पासपोर्ट, एयर टिकट, केसरी की कैप और ड्राई स्नैक्स हैम्पर देगा। ये स्नैक्स हैम्पर कार्गो बैग में रखना होता है, ये तो आपको पता है। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट पर आते समय केसरी की तरफ से आपको दी हुई बैग जरूर लाइए। इससे हमारे प्रतिनिधि को आपको ढूंढने में आसानी होती है। केसरी के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के बाद आप एयरपोर्ट टर्मिनल के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। अंदर आने के बाद कई बार बैग्स का सिक्योरिटी स्क्रीनिंग करना पड़ता है। बहुत सारी एयरलाइंस ये स्क्रीनिंग अब आपके द्वारा लगेज चेक इन करने के बाद करती है। फ्रेंड्स, आपकी बैग बिल्कुल नई है और आप उसे मामूली से खरोच से भी बचाना चाहते हैं तो उसके लिए कई एयरपोर्ट्स पर प्लास्टिक रैपिंग की सुविधा होती है। आप नॉमिनल चार्जेस भरकर आपके बैग की सुरक्षा का ज्यादा ख्याल रख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने एयरलाइंस के चेक इन काउंटर के पास। फ्रेंड्स, इस काउंटर की क्यू में एक बात का ध्यान जरूर रखिए। जो भी व्यक्ति काउंटर पर व्यवहार कर रहा है उसके बिल्कुल नजदीक या चिपक कर खड़े ना रहे। वहां जमीन पर एक पीले रंग की मोटी लाइन खींची होती है, ये लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए। किसी भी एयरपोर्ट पर इस नियम का ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, जब आपकी बारी आए तो आपका पासपोर्ट और टिकट काउंटर पर बैठे कर्मचारी को दीजिए। कार्गो बैग आइडेंटिफिकेशन टैग का फाइनल डेस्टिनेशन चेक कीजिए और बोर्डिंग पास प्राप्त कीजिए। उसी समय आपका कार्गो बैगेज चेक इन करना होता है। यहीं पर आपको इमिग्रेशन कार्ड भरना पड़ता है। देश से बाहर जाने वाले हर एक व्यक्ति को ये कार्ड भरना अनिवार्य है। उस पर आपका नाम, पता, पासपोर्ट नंबर आदि लिखते समय ये सारी जानकारी पासपोर्ट पर जिस प्रकार से लिखी है उसी प्रकार से आप भी लिखें। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट पर चेक इन करने के वक्त इमिग्रेशन कस्टम के लिए आपको अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। उसे वापस लेने की जिम्मेदारी आप ही की होती है, इसलिए बिल्कुल बिना भूले पासपोर्ट वापस लीजिए। कई बार इमिग्रेशन अथॉरिटी कई रूटीन से सवाल पूछते हैं, ये उनका काम ही होता है, उन्हें विनम्रता से सहयोग कीजिए। कई बार आपकी फोटो खींचकर बोर्डिंग पास पर लगाई जाती है जिसके लिए वहां एक कैमरा फिक्स किया होता है और जमीन पर पैरों के निशान होते हैं, उन पर सही तरह से खड़े रहकर कैमरा में देखिए। इमिग्रेशन के बाद होता है कस्टम क्लियरेंस। अगर आप अपने साथ महंगा प्रोफेशनल कैमरा या अन्य कोई कीमती चीज ले जा रहे हो तो कस्टम से उसका डिक्लेरेशन जरूरी होता है। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, उस पर उस वस्तु के मेक, मॉडल नंबर तथा अंदाजन कीमत की जानकारी लिखनी होती है। इसकी एक कॉपी आपको दी जाती है, ये कॉपी संभाल कर रखिए। इसे आप विदेश से लौटते वक्त ये चीजें पुरानी ही हैं, इस ट्रिप में खरीदी हुई नहीं है, ये साबित करने में मदद होती है।
अगर आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे ही नहीं तो शायद आपको आप ही की वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी भरने की नौबत आएगी। आपके पास अगर डिक्लेयर करने जैसी कोई भी चीज नहीं है तो आप सीधे आगे जा सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने चेक इन करके आपकी कार्गो बैग्स एयरलाइंस को सौंपी थी, तब मिले हुए टैक्स संभल कर रखिए। आगे सफर में आपकी बैग्स डिले हो जाए या गुम हो जाए तो वो क्लेम करने के लिए ये बैगेज टैक्स काम आते हैं। फ्रेंड्स, इमिग्रेशन कस्टम फॉर्मेलिटीज होने के बाद हमें जाना है डिपार्चर गेट की ओर। आपके बोर्डिंग पास पर ये गेट नंबर लिखा होता है। सभी एयरपोर्ट्स पर गेट नंबर की साइन बोर्ड्स साफ लिखे होते हैं। आजकल इंग्लिश नंबर्स कोई भी पढ़ सकता है, इसलिए गलती की कोई संभावना है ही नहीं। तो एयरपोर्ट पर लगाए हुए इन साइन बोर्ड्स को पढ़ते पढ़ते आप बराबर आपके डिपार्चर गेट के लाउंज तक जा सकते हैं। इस लाउंज के पास शॉपिंग एरिया होता है। यहाँ आप चाहे तो थोड़ी शॉपिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है। कई देशों में कोई विशेष चीजें ले जाना मना होता है, इसलिए जो चीजें आप ले जा सकते हैं वही चीजें शॉप के कर्मचारी आपको देंगे। अगर इनमें लिक्विड वस्तुएं हो तो वो सील करके देते हैं, जो आप हैंडबैग में रखकर ले जा सकते हैं, लेकिन ये सील सफर खत्म होने तक मत तोड़िए। डिपार्चर लाउंज में प्रवेश करते समय पर्सनल सिक्योरिटी चेकिंग किया जाता है। कई बार पासपोर्ट भी दिखाना पड़ता है। इसके बाद फ्लाइट के अनाउंसमेंट का इंतजार करना, यही काम बाकी रह जाता है। इसलिए वहां की कुर्सी पर आराम कीजिए। कुछ एयरलाइंस बोर्डिंग के अनाउंसमेंट सीट नंबर अनुसार करती हैं, यानी सबसे पहले आखिरी हिस्से के 60 से 40 सीट नंबर, उसके बाद उसके आगे वाले सीट नंबर। इस तरह से यात्रियों को बुलाया जाता है। आपकी बोर्डिंग पास पर आपका सीट नंबर लिखा होता है, उसी के अनुसार आपको जाकर बैठना होता है। हम सब साथ मिलकर टूर के लिए जरूर निकले हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रोसीजर की वजह से हम पूरे ग्रुप का चेक इन साथ नहीं कर सकते, वो अलग अलग ही करना पड़ता है। उसी तरह प्लेन के सीट नंबर्स एयरलाइंस द्वारा अलॉट किए जाने की वजह से उस पर केसरी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो आप अगर कोई विशेष सीट चाहते हैं तो चेक इन करते समय वहां की चेक इन काउंटर वर्कर से विनती कर सकते हैं। आजकल कई एयरलाइनें ऑनलाइन यानी इंटरनेट द्वारा चेक इन तथा सीट बुकिंग सेवा देती हैं, पर यह सुविधा ग्रुप बुकिंग वाले टिकटों के लिए नहीं होती। इस बात की गारंटी नहीं, आप इंटरनेट पर इस बात को कंफर्म करके उसके अनुसार सीट बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई एयरलाइंस आपको आपका टिकट बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास के लिए अपग्रेड करके देती हैं। उसके लिए टिकटों की कीमत में जो फर्क पड़ता है उसे बताए गए अवधि में भरना जरूरी है। हवाई सफर में अगर आपको विंडो सीट नहीं मिली तो भी गाने सुनकर, सिनेमा टीवी देखकर या फिर किताब पढ़कर आप अच्छी तरह से समय बिता सकते हैं। हो सके तो लंबी सफर में आराम से सो जाइए ताकि उतरने के बाद आप फ्रेश रहेंगे। यस, लेकिन नींद की गोली या नींद की अन्य दवा बिल्कुल ना लें। ऐसी दवाओं का असर गंभीर हो सकता है, ऐसा एक स्वास्थ्य विषयक सर्वे का निष्कर्ष है। फ्रेंड्स, हर एयरलाइन के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं अलग अलग होती हैं। यहाँ आपको नसीब का ही भरोसा रखना है, यानी कि आपके हिस्से में बिल्कुल नया लेटेस्ट प्लेन आएगा या पुराना प्लेन आएगा ये तो किसी को भी नहीं पता होता। इसलिए आपने पहले किए हुए हवाई सफर की तुलना करने की बजाय जो मिला है उसी में खुश रहिए। प्लेन में बैठने पर दी जा रही सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस का पालन कीजिए। हमेशा सीट बेल्ट बांध कर रखिए। प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग के समय जगह से मत उठिए। कई बार प्लेन के रफ वेदर या खराब वातावरण से गुजरने की अनाउंसमेंट होती है, तब भी सीट से मत उठिए। टॉयलेट का इस्तेमाल मत कीजिए। फ्रेंड्स, प्लेन के टॉयलेट्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए मोटे व्यक्तियों को कभी कभी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सके तो इस बारे में भी मैनेजमेंट कीजिए, यानी आपकी हवाई यात्रा अगर 3-4 घंटों की हो तो प्लेन में बैठने से पहले और उतरने के बाद आप टॉयलेट जा सकते हैं, लेकिन 12-15 घंटे या उससे भी ज्यादा समय की हवाई यात्रा हो तो टॉयलेट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ऐसे समय वो साफ रहे इसका ख्याल रखिए, प्लस ठीक तरह से कीजिए। भीतर का बेसिन इतना छोटा होता है कि वो इस्तेमाल करने के बाद उसके इर्द गिर्द पानी जमा होता ही है। ये पानी वहां रखे टिश्यू पेपर से साफ कीजिए और पेपर वही डस्टबिन में फेंक दीजिए। सामान्यतः भोजन के बाद टॉयलेट में भीड़ इकट्ठा हो सकती है, इसलिए वहां पहले ही हो आइए।
अब भोजन की बात निकली है तो तुम भोजन संबंधी कुछ जानकारी दो। थैंक्स फ्रेंड्स, प्लेन में मिलने वाले भोजन के बारे में हम यही कहेंगे कि टूर बुक करते वक्त आप भोजन का जो ऑप्शन देते यानी वेज या नॉन वेज, वही हम प्लेन के सफर में कायम रखते हैं। प्लेन में कई बार वेज खाना लिमिटेड स्टॉक में उपलब्ध होता है, इसीलिए एन वक्त पर आप अपनी चॉइस बदल नहीं सकते। शायद नॉनवेज खाना एन वक्त पर मिल भी सकता है, फिर भी आप इस तरह का बदलाव हो सके तो टालिए। खाने के संबंध में एक ज़रूरी सूचना ये है कि आपकी ऑर्डर आपके सीट नंबर से जुड़ी है। मिसाल के तौर पर एयर हॉस्टेस B48 नंबर वाले सीट के लिए वेज खाना लेकर आती हैं, उसे एक यात्री कौन है इस बात का पता नहीं होता, इसलिए आप खाने के पहले अगर सीट बदलते हैं तो इसकी जानकारी फ्लाइट क्रू को ज़रूर दें, नहीं तो आपको अपनी चॉइस का खाना नहीं मिलेगा। अब आगे की जानकारी तुम दो तो उचित होगा। क्यों? ये अल्कोहलिक ड्रिंक संबंधित है इसलिए। आहा, ओके। फ्रेंड्स, कुछ एयरलाइनों की तरफ से प्लेन में फ्री अल्कोहलिक ड्रिंक्स दी जाती हैं। आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप प्लेन के सफर में हो सके तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स ना लीजिए। अल्कोहलिक ड्रिंक्स की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है तथा जेट लैग की तकलीफ बढ़ सकती है। और एक बात है, ड्रिंक ज़्यादा मात्रा में लेने से वॉमिटिंग या किसी अन्य प्रकार का मिसबिहेवियर हो सकता है। टूर के शुरू में अगर इस तरह की घटना होती है तो यात्री की इमेज खराब होती है। टूर के ख़त्म होने तक उसी बात की चर्चा जारी रहती है। यह सब टालने के लिए हो सके तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स से दूर रहिए, यही हम कहेंगे। उससे बेहतर ये है कि प्लेन के सफर में फ्रूट जूस तथा पानी पीजिए, विशेषकर पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए। वैसे ही अगर विमान सफर ज़्यादा घंटों का हो तो समय समय पर उठकर टहलकर अपने पैर को रिलैक्स कीजिए। प्लेन के सफर में इस बारे में जानकारी ले ही रहे हैं तो टूर के दौरान होने वाली इंटरनल फ्लाइट्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आप में से कुछ लोग डायरेक्ट ज्वाइनिंग गेस्ट होते हैं, यानी सीधे हमारे टूर के आरंभ के स्थान पर आकर ये लोग टूर ज्वाइन करते हैं। कई टूर्स में यानी कि साउथ अमेरिका, कनाडा, अमेजिंग अमेरिका आदि टूर्स में उन देशों की अंदरूनी यात्रा का थोड़ा हिस्सा प्लेन के सफर का होता है। जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग गेस्ट हैं उन्हें ऐसी इंटरनल फ्लाइट्स का बुकिंग खुद करना होता है। कई बार एक ही शहर में अलग अलग एयरपोर्ट्स होते हैं, इसलिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग गेस्ट इस बारे में पहले से ही केसरी के ऑफिस में स्पष्टीकरण प्राप्त करें, इससे बिना वजह परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, कुछ सेक्टर्स के लिए आपको सीधी हवाई सेवा या तो उपलब्ध नहीं होती या फिर सुविधाजनक नहीं होती। ऐसे वक्त भारत से उस जगह जाते समय या वहां से वापस आते समय हमें किसी एयरपोर्ट पर स्टॉप ओवर लेना पड़ता है। यात्रा के दौरान का ये ठहरा फ्लाइट कनेक्शन के अनुसार 1 घंटे से लेकर 8 घंटों तक लंबा भी हो सकता है। शायद आप इस सोच में पड़ गए कि इस समय आप क्या करेंगे। सोचिएगा नहीं, एयरपोर्ट पर समय बिताने के लिए बहुत कुछ होता है। हाँ, शॉपिंग मॉल से लेकर मसाज पार्लर्स तक आपकी पसंद की किसी भी जगह आप जा सकते हैं। अपने साथ लाई हुई किताबें पढ़कर, आईपॉड पर गाने सुनकर या DVD प्लेयर पर मूवी देखकर आप टाइम बिता सकते हैं। कई जगहों पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा होती है, वहां आपको ट्रांजिट वीजा भी मिल सकता है। ये वीजा लेकर आप नजदीकी शहर में घूम कर आ सकते हैं। हाँ, लेकिन समय का ध्यान रखिए, दिए गए समय के अंदर जरूर वापस लौटिए, नहीं तो कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो सकती है। आप अगर बिजनेस क्लास से यात्रा कर रहे हैं या आपके पास फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स कार्ड है तो इस तरह के स्टॉप ओवर में आपके लिए स्पेशल सुविधा के तौर पर स्पेशल लाउंज उपलब्ध होता है। आप उस लाउंज में भी आराम कर सकते हैं। इस ट्रांजिट में अगर आप एयरपोर्ट पर किसी मॉल से कुछ शॉपिंग करते हैं तो कृपया किसी को दिखाने के लिए उसका पैकिंग मत खोलिए। ऐसी पैकिंग खोली हुई चीजें प्लेन में लाना मना है। प्लेन में आपको डिसएम्बार्केशन फॉर्म दिया जाता है, हो सके तो उसे प्लेन में ही भरिए। एक जरूरी सूचना, प्लेन की लैंडिंग पूरी होने तक अपनी सीट पर बैठे रहिए। और हाँ, उतरते समय आपका पासपोर्ट, चश्मा, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, हैंडबैग आदि चीजें साथ लेना मत भूलिए। फ्रेंड्स, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ग्रुप लीडर पूरे ग्रुप को इकट्ठा करता है और सूचनाएं देता है। आगे पूरी टूर के दौरान ग्रुप लीडर को आपके सहयोग की जरूरत है। आप उसकी सभी सूचनाओं पर गौर कीजिए। टूर की सफलता के लिए ये जरूरी है।
इस संदर्भ में इस बात का ख्याल रखिए कि ये ग्रुप टूर है। इस ग्रुप में छोटे बच्चों को लेकर ज्येष्ठ नागरिकों तक सभी अलग अलग उम्र के पर्यटक होते हैं और टूर का प्रोग्राम सभी सदस्यों की सुविधा तथा हित का ख्याल रखकर ही बनाया जाता है। एयरपोर्ट पर पूरे ग्रुप को इकट्ठा करने के बाद ग्रुप लीडर सबसे पहले आपको स्थानीय समय की जानकारी देता है। हम यात्रा की शुरुआत भारत से करते हैं, इसलिए हमारी घड़ियां भारतीय समय के अनुसार होती है। हम अगर यूरोप, अमेरिका जैसे भारत के पश्चिम की तरफ के देशों में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का स्थानीय समय भारत के कुछ घंटे पीछे होता है। अगर जापान, चाइना जैसे भारत के पूर्व के देशों में जाते हैं तो यहाँ का स्थानीय समय भारतीय समय से कुछ घंटे आगे होता है। इसलिए डेस्टिनेशन पर उतरते ही पहले घड़ियां स्थानीय समय के अनुसार मिलाएं, नहीं तो टूर के टाइम टेबल के साथ मेल बिठाने में आपको मुश्किल होगी। नतीजा, लेट जागने से लेकर साइट सीइंग मिस होने तक कई दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कारणवश आपको भारतीय समय जान लेना अनिवार्य हो तो ड्यूअल वॉच इस्तेमाल कीजिए, पर टूर पर हर जगह बताए हुए वक्त पर ही आइए। ग्रुप लीडर एयरपोर्ट पर आपको इमिग्रेशन तथा लगेज बेल्ट के बारे में सूचनाएं देगा, वो ठीक तरह से समझ लीजिए। इमिग्रेशन अथॉरिटी को फॉर्म सबमिट करने के लिए उसके काउंटर के सामने इकट्ठा मत होइए, कतार में खड़े रहिए। थाईलैंड जैसे देशों में प्रवेश करते वक्त आपके इमिग्रेशन फॉर्म का आधा हिस्सा फाड़ कर आपके पासपोर्ट में रखते हैं, उसे संभाल कर रखिए। थाईलैंड से वापस आते वक्त ये आधा हिस्सा आपको उन्हें वापस करना होता है। कई बार इमिग्रेशन अथॉरिटीज आपसे कुछ सवाल करते हैं, ये एक रूटीन प्रोसीजर होता है, उनके जवाब शांति से दीजिए। इमिग्रेशन के बाद ग्रुप लीडर की सूचना के अनुसार बैगेज बेल्ट से आपका बैगेज कलेक्ट कीजिए। बैगेज बेल्ट का नंबर कई स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बेल्ट से बैग उठाते समय आपका नाम चेक कीजिए। कई बैग्स एक जैसी दिखती है। अगर आप गलती से किसी दूसरे की बैग उठाते हो और उसमें कुछ गैर कानूनी चीजें होती हैं तो आपको गुनहगार ठहराया जा सकता है, इसीलिए अपनी बैग सही तरीके से पहचानिए। दुर्भाग्यवश आपका लगेज वहां पहुंचा ना हो या उसका कोई नुकसान हो गया हो तो तुरंत ग्रुप लीडर की मदद से कंप्लेंट दर्ज कीजिए। ऐसे वक्त पर चेक इन के समय मिले हुए लगेज टैग्स काम आते हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ सूचनाएं हमारे डायरेक्ट ज्वाइनिंग गेस्ट के लिए। कृपया अपने ग्रुप के फ्लाइट डिटेल्स की पहले से ही जानकारी लीजिए। आपका ज्वाइनिंग पॉइंट एयरपोर्ट है या होटल है ये पहले से बताइए। आप डायरेक्टली होटल पर आ रहे हो तो उसका टैक्सी फेयर आपको भरना होगा। अगर एयरपोर्ट पर मिलने वाले हो तो ग्रुप का अराइवल टाइम तथा टर्मिनल चेक कर अराइवल हॉल में हमें ज्वाइन कीजिए। कई बार एयरपोर्ट पर हमारा लोकल एजेंट भी मौजूद होता है, उसकी मदद से अपने लगेज के साथ एयरपोर्ट के बाहर आइए। पार्किंग में हमारी बस होती है, उसका ड्राइवर जिसे कैप्टन कहने का रिवाज है, उसकी मदद से आपकी बैग्स बस में रखिए और आपके सीट पर जाकर बैठिए। फ्रेंड्स, आपकी बाकी टूर कामयाब और रंगीन बनाने के लिए हमारा टूर लीडर आपकी सेवा में हाजिर होता है। अब कोई भी चिंता न कीजिए, समय समय पर आपको क्या करना है तथा क्या नहीं करना है इसकी सूचनाएं वो देगा ही। किसी आकस्मिक समस्या का समाधान करने के लिए और आपको जरा सी भी तकलीफ ना हो इसके लिए वो पूरी कोशिश करेगा। आप सिर्फ उसे सहयोग दीजिए, समय के बंधन का पालन कीजिए और टूर सही मायने में और मस्ती में एंजॉय कीजिए। हैप्पी जर्नी। केसरी टूर्स, एक अविस्मरणीय अनुभव।